सीबीएसई 12वीं के परिणाम ने छात्र छात्राओं के चेहरे खिला दिए हैं। ये नज़ारा है मिल्टन पब्लिक स्कूल का। स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट 96% रहा है। छात्र छात्राओं ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर माता पिता के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया है। स्कूल के संस्थापक डॉक्टर राजकुमार कुलश्रेष्ठ ने स्टाफ के साथ बच्चों को सफलता की बधाई दी। मैं जो हमारे स्कूल का रिजल्ट लगातार लगातार प्रगति की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है और हम लोग आगरा में टॉप भी कर रहे हैं और सीबीएसई में भी हम लोग का लास्ट ईयर 5वां नंबर था, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और स्पेशली मैं यहाँ के प्रिंसिपल और जो हमारी अध्यापिकाएँ उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतनी मेहनत करती हैं जिससे कि इन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनना है। और मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हमें जो भी सहयोग और अच्छा रूप से दे सकें वो समय समय पर हमें सहयोग देते रहें, ऐसा मेरा उन लोगों से अनुरोध है, निवेदन है। सफल बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई। बच्चे भी अपनी सफलता के लिए खुश दिखाई दिए। स्कूल की सीईओ डॉक्टर प्राचीराज ने स्कूल के डेकोरम और सफलता में चार चांद लगाने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं हमारे और जितने भी बच्चे हैं जो कि टॉपर्स रहे हैं और अबव 90% उनको कॉन्ग्रेट्स बोलूँगी और ऑल द बेस्ट बोलूँगी कि आई फील वेरी प्राउड दैट उन्होंने इतनी मेहनत करी और इतना अच्छा परसेंटेज लेके आए। साथ ही मैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि उनके बच्चों ने अच्छा नाम किया है। इस सब के रिज़ल्ट के पीछे जो हमारा मिल्टन का स्टाफ है और हमारा जो एक ग्रुप है उसको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेहनत करी और आई होप कि हम आने वाले दिनों में इससे अच्छा रिज़ल्ट और लेके आएँ और अच्छे बच्चों को अपने समाज में लेके आएँ ताकि वो हमारे स्कूल का और हमारे देश का नाम रोशन करें। सीबीएसई 12वीं के परिणाम ने मिल्टन पब्लिक स्कूल खासा उत्साहित है। दिन प्रतिदिन छात्र छात्राओं का भविष्य संवार रहे स्टाफ को विद्यालय के निदेशक ने बधाई दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं तो यही कहना चाहूँगी, लगातार हमारा स्कूल हमेशा से ही आगे बढ़ता जा रहा है और सीबीएसई में लास्ट टाइम भी टॉपर हमारे स्कूल की बच्ची रही थी और इस साल भी हमारे यहाँ की सोनाक्षी चतुर्वेदी ने टॉप किया है। तो मैं तो ये चाहूँगी हम इसके लिए पेरेंट्स को प्लस हमारे यहाँ के स्टाफ को दोनों को ही बधाई की पात्र हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी घर में मेहनत करते हैं और उधर स्टाफ भी उनके साथ सारा दिन लगा रहता है, तो यही उनकी प्रगति का फल है। सीबीएसई 12वीं के परिणाम में एक मुकाम हासिल कर चुके छात्र छात्राओं ने विक्ट्री का चिन्ह दिखाकर अपनी सफलता जाहिर की। विद्यालय के सीएमडी डॉक्टर राहुल राज ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई देने के साथ परिणाम की जानकारी दी। सबसे पहले 7 इंडिया न्यूज़ को बधाइयां जिन्होंने आज सबसे पहले इस समाचार को आगरा के सारे टॉपरों को कवरेज किया और उनका बच्चों को मनोबल बढ़ाया। आज के इस रिजल्ट ने जो बच्चों का हौसला वर्धन किया है उसके लिए मैं सीबीएसई बोर्ड ने जो नई प्रक्रिया बोर्ड मार्किंग की डेवलप करी थी और बीच में रोक भी दी थी हाईकोर्ट में, उस पर स्टे की भी बारी आई, लेकिन फिर भी बच्चों का संग उन बच्चों का भविष्य देखते हुए उन्होंने जो फेवर में जजमेंट लिया वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और मिल्टन पब्लिक स्कूल की लड़की ने 96.4 पे स्कूल टॉप किया है सोनाक्षी चतुर्वेदी ने, साथ ही 28 बच्चों ने 97% लाकर नया कीर्तिमान बनाया है। लास्ट ईयर 2016 में हर्षिता शर्मा ने पूरे भारत में छठा स्थान प्राप्त करा था 98.2% पे। स्कूल को लगातार नए आयाम दिलवाना, इन बच्चों ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई आदत बना ली है। अगले वर्ष फिर इससे अधिक परसेंटेज के साथ पूरे सीबीएसई बोर्ड इंडिया में टॉप करेंगे ये बच्चे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 7 इंडिया न्यूज़ चैनल को। शहर के जाने माने चिकित्सक निखिल चतुर्वेदी की पुत्री ने विद्यालय में 96% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया है। पुत्री की सफलता की खुशी मनाने सोनाक्षी चतुर्वेदी के माता पिता विद्यालय में उपस्थित रहे और अपनी खुशी बयां की। बच्चे ने टॉप किया है इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आभारी स्कूल वालों के लिए भी हैं हम, क्योंकि जो टीचर्स की मेहनत होती है उसके बिना बच्चा अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो ये बहुत बड़ी टीचर्स का सपोर्ट और स्कूल वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, उसकी वजह से बच्चे की और उनकी मिली जुली मेहनत जो है वो ये फल ला के देती है। स्कूल का जो पर्सनल अटेंशन राहुल राज जी देते हैं हर बच्चे पे और मनीषा मैडम और निदेश सर और ऋषभ सर जो जितनी सब
मेहनत करके लोगों ने बच्चों को सिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। एक एक बच्चे पे इतना ध्यान देते हैं कि हम लोगों को उसके साथ और कोप करना पड़ता है, हम लोगों पे भी उतनी मेहनत और बढ़ जाती है जैसी, तो उससे अच्छा लगता है और उसका रिज़ल्ट आज दिख रहा है। बेटियों क्या बनाना चाहते हैं आप डॉक्टर हैं तो? बिटिया का मन डॉक्टर बनने का है, पर मैं तो जो वो बनना जाएगी वो बनेगी। छात्र छात्राओं ने सफलता का श्रेय विद्यालय के प्रबंधक को देते हुए माता पिता का सहयोग बताया और अपनी मनसा व्यक्त की। निश्चित ही छात्र छात्राओं की सफलता में विद्यालय मेहनत कर रहा है। I've scored 96.4% and all the credit entirely goes to the school, my teachers and my parents of course. And they've been of great help to me and whatever they've taught has proved to be really helpful for me. And I'm very grateful to them and always be. Thank you. मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अपने फादर को एज अ रोल मॉडल देख के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अजय दक्ष। I got the 91% and the full I am being supported by the my campus and my teacher because the campus always supports me because my father is not earned sufficient money for me but my campus support me at all stage and after that I got the 91%. I am so happy because of पेरेंट्स और छात्र छात्राओं का साफ कहना है कि मिल्टन पब्लिक स्कूल बच्चों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।